देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर पे बनाया प्लम केक बिना वाइन के। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं प्लम केक, जो अक्सर सर्दियों में बनाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हम बाज़ार से अक्सर खरीद के लाते हैं। चलिए आज हम इसे घर में बनाते हैं, तो देख लेते हैं हम उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये हैं ड्राई फ्रूट्स, अखरोट और बादाम। ये हैं कुछ मसाले। आप कहेंगे केक में मसाले? हाँ, इस केक में मसाले डलते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे हम केक में वनीला एसेंस डालते हैं, उसकी जगह इसमें इन मसालों का फ्लेवर होता है। अक्सर क्रिसमस पे ये केक बहुत बनाया जाता है, वैसे भी मार्केट से हम लोग ला के खाते ही हैं। और ये हैं कुछ बेरीज़, ये ब्लू बेरीज, ब्लैक बेरीज, ये सब हैं। ये हैं टूटी फ्रूटी, किशमिश और चेरीज, और ये मैंने संतरे के छिलक से कैंडी बनाई थी, ये वो हैं। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। और अगर आपके पास आम पापड़ है तो आप आम पापड़ भी डाल सकते हैं। जितने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें उतनी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और साथ में चाहिए ऑरेंज जूस। वैसे इस केक को जब बनाया जाता है, ये फ्रूट्स जो होते हैं रम में भिगोए जाते हैं, इसको रम केक भी कहते हैं। और वो एक हफ्ता पहले भिगोए जाते हैं, जब उनमें अच्छे से फ्लेवर आ जाता है तब इनको बनाया जाता है। लेकिन हम रम से नहीं बना रहे, हम इसलिए इसमें संतरे का जूस डालेंगे। और ये मेरे दो संतरों का जूस है। अब मैं ये सारी बेरीज, चेरीज, ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने लिए हैं, ये मैं सब इसमें डाल दूंगी एक बॉल में। ये मसाले नहीं डालूंगी अभी। ये कुछ किशमिश हैं, आपके पास काली किशमिश हो वो भी डाल सकते हैं। और ये चेरीज, ये काट के डालूंगी। और ये बेरीज को, ये देखिए, आप इसमें जितनी चाहें उतना डाल सकते हैं, कम ज़्यादा करना आप पे डिपेंड है। इन्हें मैं ऑरेंज जूस में भिगो दूंगी। ये मेरा फ्रेश ऑरेंज जूस है, आप चाहें तो इसे कैंड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्रेश दो संतरों का जूस निकलवाया है। ये देखिए, अब इनको हम भिगो के एक घंटे तक रख देते हैं। ये मैंने कुछ आम पापड़ के पीस भी डाल दिए इसमें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने डालें आप, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये आम पापड़, ये भी मेरा घर का ही बनाया हुआ है। अब इनको हम ढक के रख देते हैं एक घंटे के लिए, भीग जाएं। जिस एक मैंने छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया, ये देखिए, बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। चार लौंग डाली, ये दो देखिए, दो इलायची, दालचीनी, और ये मैंने चार लौंग, और ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और ये दालचीनी, इनको मैं मिला के पीस लेती हूँ। ये मैंने ली है हाफ कप चीनी। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी कटोरी, कप सेट कर सकते हैं, और उसे, और इस चीनी को हम इस तरह से फैला के डाल देंगे। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को गलाएंगे, बिना कुछ डाले। ये चीनी धीरे धीरे अपने आप से पिघलने लगेगी। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी हम कैरेमलाइज इसलिए कर रहे हैं कि केक का कलर ब्राउन होता है, उसको कलर देने के लिए हम चीनी को इस तरह से कैरेमलाइज करके वो कलर देंगे। हम इसमें पिसी चीनी नहीं डाल रहे हैं, हम इस तरह से चीनी का कैरेमल बना के वो चीनी डालेंगे। अब देखिए, धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगी, हमें इसे जलाना नहीं है, और जितना ज़्यादा हम चलाएंगे उतने इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें इसे हल्की आंच पे इसी तरह से धीरे धीरे करना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा चीनी हमारी हल्की हल्की पिघलने लगी है। ये काम हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, चीनी जिससे जले नहीं हमारी, चीनी बहुत जल्दी जल जाती है। देखिए हमारी चीनी सारी मेल्ट हो गई है, कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसे थोड़ा सा और डार्क करेंगे क्योंकि केक का कलर बिल्कुल ब्राउन होता है। हाँ, आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, गुड़ और आटा। अब मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने शुगर में बिल्कुल पानी नहीं डाला था, और ना ही मैंने इसमें कोई बटर डाला है, केवल चीनी को लो फ्लेम पे
कैरेमलाइज करा है। हमने ये कप, आधा कप चीनी, ये वाला कप से एक कप चीनी ली थी, इतना ही मैं पानी लूँगी। और अपने हाथ को बचाते हुए इसमें हम ये पानी डालेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चिक्की सी बन गई है हमारी, जम गई है, लेकिन ये धीरे धीरे पिघल मेल्ट हो जाएगी। जैसी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब हमने जो ये अपने स्पाइसेस पीस के रखे हैं ये भी इसमें डाल दूंगी, ये क्योंकि थोड़े से पीसे हैं तो ये मोटे मोटे ही पीसते हैं। आप चाहें तो इसको केक में ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो इसे छान के भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे हम केक में वनीला एसेंस डालते हैं, इस केक में ये स्पाइसेस डाले जाते हैं। इसे मसालों वाला केक भी कहा जाता है, ज़्यादातर सर्दियों में बनाया जाता है, क्रिसमस के दिनों में बहुत बनता है ये केक। ऐसा करने से हमारे सारे स्पाइसेस इसमें घुल भी जाएंगे, पूरी फ्लेवर आ जाएगी स्पाइसेस की। इसे हम अच्छे से चलाएंगे और ये हमारी शुगर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे, जिससे कि इसमें सब स्पाइसेस की खुशबू अच्छे से आ जाए। ये ठंडा होता है, फिर आगे की तैयारी करते हैं। अब केक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। केक बनाने से पहले सबसे पहले आप अपने टिन को तैयार करें, जिसमें आपने केक बेक करना है। टिन, भगोना, जो भी है उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें, जिससे कि हमारा केक चिपके नहीं, चारों तरफ आराम से निकल जाए। अगर आपके पास खुलने वाला मोल्ड है जो नीचे से खुल जाता है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हम इस तरह के बर्तन में बनाते हैं तो हमारा केक थोड़ा सा निकालने में दिक्कत आती है। आप चाहें तो इस तरह से खाली ग्रीस करके और इसे मैदे से डस्ट करके कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, या चाहें तो इस तरह से बटर पेपर लगाएं। ये मैंने बिल्कुल इसके साइज़ का बटर पेपर काट लिया इस, और साइडों में भी ये जो इसकी साइडें हैं उसमें हम इसको इस तरह से लगा देंगे। अभी आधा पीस, ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और लगेगा इसमें, ये देखिए इस तरह से। और इसको भी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे चारों तरफ से। बैटर बनाने से पहले हमें सब चीज़ों को अपनी प्री हीट कर लेना है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में को पहले तेज़ आंच पे 10 मिनट तक प्री हीट कीजिए और फिर अपना केक उसमें रखिए। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसको 170 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे ओवन, अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो, अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे उसे प्री हीट करें और फिर अपना केक का बैटर बनाना शुरू करें। क्योंकि केक का बैटर हम बना के रख नहीं सकते हैं, हमें तुरंत बेक होने के लिए रखना होता है। देखिए हमारा टिन भी तैयार है और हमने ये कैरेमल बनाया, हमारा ये भी ठंडा हो गया और ये फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से भीग गए हैं। और अगर आपके नहीं भी भीगे हैं तो आप इसे एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए तो अब हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। केक देखिए, इसी कप से मैंने चीनी ली थी, ये हाफ कप है मेरा मेज़रमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप कटोरी में से भी मेज़रमेंट बना सकते हैं, तो हाफ कप आप उसमें ऑयल डालिए। और ऑयल का ध्यान रखें, सरसों का या मूंगफली का तेल ना डालें, क्योंकि उनकी अपनी बहुत शार्प स्मेल होती है। कोई भी आप दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इतना ही मैं इसमें दूध डालूंगी। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तेल और दूध आपस में अच्छे से मिल जाने चाहिए, जैसे हम बटर और शुगर डाल के बीट करते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा तेल और दूध अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इस पे रखेंगे एक छलनी। और ये मैंने एक कप मैदा लिया है, आप अपनी जिस कटोरी से नाप रहे हैं उस कटोरी से एक कप। वैसे मेरा ये छना हुआ मैदा है, लेकिन फिर भी मैं इसे दोबारा से छानूंगी। और इसमें मैं डालूंगी मिल्क पाउडर 3 चम्मच। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, वैसे तो हम इसे दूध में ही मिक्स कर रहे हैं, अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको इतना मैदा और डाल लें इसमें और इसको हम मिला के छान लेंगे।
देखिए छना हुआ मैदा था, लेकिन कई बार हो जाता है जमा हुआ रह जाता है तो ये उसकी वजह से। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हमारा बैटर गाढ़ा है, ठीक से अभी पूरा मिला भी नहीं है, लेकिन इसमें अभी हमने बहुत सी चीज़ें डालनी है। ये जो हमने फ्रूट्स भिगोए हैं ये डालेंगे, और ये जो हमने कैरेमल बनाया इसको डालेंगे। कैरेमल को अगर आपको ये स्पाइसेस इसमें पसंद हैं, मोटे मोटे पीस आते हैं, तो आप इसको ऐसे ही डाल लीजिए, वरना इसको भी आप इस तरह से छान लें, क्योंकि कई बार होता है बच्चे नहीं खाना पसंद करते। ये जितना भी है ये सब इसमें ऊपर मोटे मोटे मसाले जो हमने पीसे थे वो इसमें आ जाएंगे। देखिए हमने सारा छान लिया, इसको मिलाएंगे, बिल्कुल लम फ्री बैटर बनाएंगे। हमारा बैटर बिल्कुल लम फ्री है, और अब इसमें ये फ्रूट्स जो हमने भिगो के रखे थे ये डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे हम केक बनाते हैं उसमें हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालते हैं, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं डाला, वो अब हम इसमें इस समय मिलाएंगे। बिल्कुल तैयार हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसको मिक्स करेंगे। हमने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और चीज़ें डाली हैं इसमें, ये देखिए कितना अच्छे से हमारा तैयार हो गया। अब हमने अपना टिन जो ग्रीस करके रखा उसमें डालेंगे, को इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे, सिर्फ बीच में नहीं डालेंगे, ये देखिए। और अब हम इसे, अब मैं इसे आज माइक्रोवेव में बना रही हूँ कन्विक्शन मोड पे। अगर आपने कढ़ाई में बनाया है तो उसमें आपको लगभग 40 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर भी आप 30 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक करें। मैं इसे अब माइक्रोवेव में रखती हूँ। ये देखिए मैंने अपना माइक्रोवेव गर्म कर लिया था, और अब इसमें हम बेक करने के लिए रखेंगे, और इसका टाइम 25 मिनट सेट कर देंगे। अब केक बेक होता है फिर दिखाते हैं। ये देखिए मेरा थोड़ा सा बैटर बच गया, तो मैंने ये कप को ग्रीस कर लिया और इसमें मैं ये डाल दूंगी, और इसको भी बेक करेंगे। टिन में आ जाता लेकिन केक की शेप ऊपर से थोड़ी सी बिगड़ जाती, इसलिए मैंने उसमें नहीं करा, इसको इसलिए अलग से डाल रही हूँ। इसे भी बेक होना रख दी। ये देखिए हमारे 25 मिनट हो चुके। ओ वाओ, केक भी हमारा, ये देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल साफ आया, और ये हमने जो कप बनाया था ये देखिए, ग्लव उतार दिया मैंने, ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो गया। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। काजू बादाम काट के रखे थे, ये देखिए आधे आधे पीस करे थे, इनको इस तरह से इस पे लगा देंगे। आपको लग रहा होगा कितना सॉफ्ट केक बना हमारा, और 1 मिनट के लिए और बेक करूंगी, जिससे कि ये ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से बेक हो जाएं। हमारा केक ठंडा हो गया, अब हम इसे पलट लेंगे। कितने आराम से निकल गया ये देखिए, कितना अच्छा हमारा केक बना है, सारे में ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाले ये देखिए, और सॉफ्ट देखिए कितना सॉफ्ट है। मैं पलट के दिखाती हूँ इसको, नीचे से भी जला नहीं है, बिल्कुल सही बना है। और कलर डार्क इसका इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने कैरेमल करके शुगर डाली है। मैं पीस भी काट के दिखाती हूँ आपको।